पिछड़े वर्गों के लोगों को हमारी सरकार ने जो इनको सुविधाएं दी थी तो उन्हें भी सपा सरकार ने ज्यादातर खत्म कर दिया है। साथ ही इनके संतों गुरुओं वे महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में जनहित की योजनाओं के तथा नए बनाए गए जिलों यूनिवर्सिटी व पार्क आदि के लिए जो नाम रखे थे हमारी सरकार द्वारा जो नाम रखे गए थे तो उन्हें भी अधिकार सपा सरकार ने बदल दिया है। इस प्रकार से इस पार्टी का इनके प्रति ऐसा है कि प्रेम व इनका असली समाजवादी। इसके साथ ही हमारी पार्टी तो इन मामलों को लेकर ये भी सोच रही थी कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद बीजेपी की सरकार सपा के इन फैसलों को जरूर बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे सपा की तरह ही बीजेपी सरकार की भी इन वर्गों के एवं इनके संतों गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए चुनाव में खासकर इन वर्गों के लोगों को सपा के साथ साथ बीजेपी को भी सत्ता में आने से जरूर रोकना है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां खासतौर से विकर सेक्शन के मामले में, दलितों के मामले में, पिछड़ों के मामले में, अकलियतों के मामले में एक ही थैली के चक्के बढ़ते हैं। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही है, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व्यवस्था आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं, खासकर दलित, मुस्लिम व अन्य अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रहे हैं, लेकिन मीडिया में इनके सही आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनत कश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित के कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यह सरकारी योजनाएं चल रही थी तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दलितों व पिछड़ों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब इस सरकार में भी ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए जा रहे हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ हो बीजेपी की सरकार ने अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया। विशेषकर मुस्लिम समाज को इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी रहा। बीजेपी की सरकार में हमेशा वो दहशत दे रहा, हमेशा वो घबराता रहा है। इनका विकास और उत्थान होना तो बहुत दुख की बात रही, बल्कि वो अपने आप को इस सरकार में कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं करता है। ये ऐसी स्थिति खासकर मुस्लिम समाज की पूरे उत्तर प्रदेश में वर्तमान भाजपा सरकार में हमें देखने के लिए मिल रही है। इतना ही नहीं बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग में डांटना पड़े इनसे।